नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों का रुख करेंगे। 10 जनवरी को रुद्रपुर के गगन ज्योति बारात घर के पास प्रतिबंधित पशु की हत्या कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी सरगना और हिस्ट्री शीटर ने रामपुर कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया। अन्य आरोपी इस मामले में अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें 4 अभियुक्त इन्वॉल्व थे। उन 4ों में से एक अयूब हकला, उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसके साथ रामपुर में जो मीट बेचने में 2 अन्य सहयोगी थे, अफसर अली और शौलत अली, इन दोनों की अरेस्टिंग कर ली है। तो इस प्रकार से 3 लोगों की अरेस्टिंग आज हुई है। 3 जो अन्य इसमें उस दिन घटना में संलिप्त थे, उसमें से दानिश एक कल घटना के बाद से ही हमारी टीमें रामपुर और मुरादाबाद लगातार दबिशें दे रही थी। तो एक दानिश नाम का जो दूसरा अभियुक्त उसमें था, एक कल कोर्ट में सरेंडर हो गया। हमारी टीम भी गई थी और कचहरी में जाने से पहले हमारी टीम ने उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया था, लेकिन कचहरी में काफ़ी वकील आ गए थे, उनका वकील भी था, तो कचहरी में जाने के कारण उसकी अरेस्ट नहीं हो पाई थी। तो वो वहाँ कोर्ट में सरेंडर हो गया था। बाकी उसको तुरंत जो है कल परसों तक हम लोग वारंट भी पर ला करके जुडिशियल रिमांड पर लेंगे। बाकी जो अन्य जो उसके जो मुलजिम हैं उस्मान और नईम, उस्मान वहाँ का HS है, नईम भी रामपुर का रहने वाला है। इन 4ों मुलजिमों का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये उस्मान इस पूरी ऑपरेशन का सरगना था। हरिद्वार में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजानंद सरस्वती ने मकर संक्रांति के अवसर पर भूपतवाला क्षेत्र स्थित स्वामी सर्वानंद घाट पर निर्धन और असहाय महिलाओं को वस्त्र दान किया। पूजानंद सरस्वती ने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वरीय सेवा है। इसी महिला शक्ति को नमन करते हुए उन्होंने कहा, अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति का जीवन मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्रांति आज से नहीं, हमारे जन्मों के जितने भी पहले की रीति रिवाज है वो आज भी निभा रहे हैं। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजानंद सरस्वती बोल रही हूँ। मैं हर साल आती हूँ और इधर जितने से भी मुझसे होता है, मैं ये नहीं करती कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं करके बोलना नहीं चाहती। जो भी मेरा कर्तव्य, जिस भी लायक मुझे भोलेनाथ ने, गंगा मैया ने बनाया है, मैं अपने हाथों से दान पुण्य करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि जितने भी सनातनी हैं, सभी सनातनियों को दान पुण्य करना हमारा सबसे नीति है और यही हमारी परंपरा है और उसको हम सालों साल निभाते हैं। और सालों साल क्या, आपको अगर ईश्वर ने दिया है तो आप दान पुण्य करने में कोई किसी बात की रुचि मत करिए। दान पुण्य करना हमारा सनातनियों का परम अधिकार है। और कहते हैं ना, कोई ला किसी को ईश्वर ने कितना दिया है और किसी को कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें दिया है तो हम उसमें से कुछ दान पुण्य कर लेंगे, सबसे बड़ा पुण्य है। मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी पचपेड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर सेल्फी खींचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बता दें, पानी की टंकी के ऊपर चढ़ना वर्जित है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों युवक टंकी पर चढ़े। इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत एटा सदर विधानसभा 104 से प्रियंका गांधी की तरफ से गुंजन मिश्रा को सदर सीट 104 के लिए दावेदार घोषित किया गया। इसको लेकर गुंजन मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने। इस दौरान क्या कुछ कहा गुंजन मिश्रा ने, इसको देखिए। सियासत की लड़ाई खत्म होने की जो कवायद होती है वो दरअसल तब होती है जब मतपेटियाँ खोली जाती हैं, और मतपेटियाँ खोलने का सिलसिला अमूमन हर 5 साल बाद आता है। देखना ये जनपद एटा 104 विधानसभा पर हूँ, यादव का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। आज मैं मौजूद हूँ एक ख़ास मेहमान के साथ, गुंजन मिश्रा जी, जो कि लड़की हैं लड़ सकती हैं, घोषित किया गया प्रियंका गांधी द्वारा उनको। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। जी नमस्ते। महसूस कर रही हैं आपको 104 विधानसभा के लिए यहां से विधायक पद के लिए चुना गया? मैं बहुत खुश हूं, प्रियंका दीदी ने मुझे इस योग्य समझा और लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या लगता है 2022 के मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? 2022 के मुद्दे भैया ये हैं कि बेटियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, बेटियों युवाओं का शिक्षित होना, बेरोजगारी है उसको दूर की जाएगी,
और हमारे एटा में शिक्षा का अभाव है। देखा जाता है कि एटा जो है सदर सीट ये बीजेपी के हाथ में है, और क्या कुछ रहा विकास एटा में विधायक जी द्वारा, क्या यहाँ की जनता उनके विकास से खुश है? उनके विकास से खुश तो नहीं है भैया। क्या लगता है कि अगर आपको भर भर झोली वोट मिलता है, जब मतपेटियां खोली जाएंगी, हो सकता है किस्मत भी खोली जाए आपकी, तो क्या आप एटा के जनता के लिए उनके वादों पर शिक्षा कर स्वास्थ्य के लिए हर तत्पर खड़ी रहेंगी? जी मैं खड़ी रहूंगी, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए मैं तत्पर खड़ी रहूंगी। तो क्या कुछ उद्देश्य रहेंगे 104 विधानसभा और प्रदेश के चुनाव के लिए कि कैसे लड़ना है, क्या वादे होंगे? तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी विगुल फूंक रही हैं, नए नए वादे कर रही हैं, तमाम ऐसी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं जो पिच के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री 2022 का। क्या बाबा जी सत्ता वापसी करेंगे या अखिलेश भैया चाचा के साथ सत्ता बनाएंगे, आपको क्या लगता है? भैया दीदी ही आएंगी, ये सुनामी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला सशक्त हैं। तो कैसा लगा ये एक उनका नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पे कैसा गर्व महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बोलती हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मैं अपनी बहनों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि वो डरे नहीं, मैं उनके साथ हूँ और मुझसे ऊपर दीदी मेरे उनके साथ है। 2022 नज़दीक, मतपेटियों का भरने का समय आ चुका है, कुछ दिन बाद मतपेटियाँ खुलेंगी, नेताओं की किस्मत खुलेगी। अब देखना यह है कि किस नेता को भर भर झोली किस्मत खुलती है, और हर चुनाव अमूमन हर 5 साल बाद आता है। नेताजी कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे, विकास लाएंगे। अब देखना यह है कि किस नेता को भर भर झोली किस्मत खुलती है, और हर चुनाव अमूमन हर 5 साल बाद आता है। नेताजी कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे, विकास लाएंगे, रोजगार लाएंगे, तो क्या लगता है इस बार रोजगार आप लाएंगे? जी भैया रोजगार लाएंगे, स्वरोजगार लाएंगे, ये आंगनवाड़ी महिला हैं, आशा बहुएं हैं, सबको 10,000 रुपए का मानदेय होगा, और शिक्षक जो हैं उनके लिए विशेष है। माना जाता है कि तमाम राजनीतिक दल जी हिंदू मुस्लिम धर्म समुदाय की राजनीति कर रहे हैं, आपकी पार्टी की लीडर जो ये कहती हैं कि प्रेम का चुनाव होना, आज तक किसी ने भी मतलब किसी ने भी महिला को किया है, किसी ने महिला सीट दी है किसी को? प्रियंका दीदी का यही विश्वास है और मैं उनको जीत दिखाऊंगी। माना जाता है कि आपकी पार्टी के लीडर ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके साथ अत्याचार हुआ है। जी जी हाँ भैया, जैसे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है उन लोगों को ही दिया है, क्योंकि माँ जानती है। लीडर का मानना यह है कि उनकी बुलंद आवाज करनी है, जिनकी दवाई जिनकी आवाज दबाई गई है, हमारे समाज में दबाई जाती है, हमारे प्रदेश में दबाई जा रही है, उन सबकी आवाज को वो खुद लड़ेंगी, वो खुद संसद जाएंगी और जाकर अपनी आवाज बात रखेंगी कि हमारे साथ ये काम हुआ है। पार्टियां कहती हैं कि बिजली का बिल माफ होगा, यूनिट कम आएगा, आपका क्या कुछ रहेगा 2022? बहुत महंगाई है, बिजली का बिल भी माफ होगा, और कोरोना काल में जिन लोगों का वो हुआ है तो उन कोरोना काल में बिजली का बिल माफ किया जाएगा, बिल्कुल। कोरोना काल 2 साल कोरोना काल प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं और ओमिक्रोन का भी लगातार खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में कैसे आप जनता को अपने एटा वासियों को जागरूक करेंगे अपने पेट खींचने को? भैया मैं घर घर जाकर सबसे बात करूं, घर घर जाकर मिलूंगी, और जनता से यही अनुरोध है, जनता को आपको कहीं ना कहीं जिताना चाहिए क्योंकि लड़की है लड़ सकती। जी जी हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दिखाना है कर जो नेताओं ने अब तक नहीं दिया, जो अभी तक नेताओं किसी नेता ने नहीं किया, किसी नेता ने आज तक टिकट ही नहीं दी है, वो हमारी प्रियंका दीदी ने 40% महिलाओं को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है, मैं उनके साथ हूँ और प्रियंका दीदी के आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या कुछ रहा उनका जो अल्टीमेट नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? जी भैया आज क्या सोचा उन्होंने? उन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो भी बेटी है, मैं भी बेटी हूँ, और वो भी महिला हैं और मैं भी महिला हूँ। मेरा मुद्दा है भैया, मैं मतलब एटा की ये जनता है, एटा के बच्चे हैं, युवा हैं, एटा की बेटियां हैं, इनको इतना शिक्षित किया जाए, एटा में मतलब सरकारी स्कूल इतने अच्छे चलें जो हमारे बच्चे बचपन से लेके अच्छा सीखें, अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
5 साल सरकार के हो गए, सरकार के नुमाइंदे विधायकों के भी पूरे हो चुके हैं। हाँ। बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग की, बात करूं मेडिकल की लाइन की, तो अपने जनपद एटा 104 जो सदर सीट कहा जाता है, इसमें अभी तक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो दूसरे राज, दूसरे जिले, दूसरे मंडल में भेजा जाता है। इस पर आप क्या काम करेंगे? मैं कोशिश करूँगी मेरे एटा में ही इतनी व्यवस्थाएँ अच्छी हो जाएँ जो बाहर जाना ही नहीं पड़े किसी को। आप सीधे तौर से कहना ये चाहती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो काम करूँगी जो सरकार ने अब तक और उनके विधायकों ने नहीं, जो उनके विधायकों ने नहीं किया है, मैं वही काम करूँगी और सारी व्यवस्थाएं ऐसी रखूँगी, मेडिकल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल से आप क्या एक मैसेज संदेश देना चाहती हैं उन बेटियों को जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है, जिनको आगे बढ़ने से रोका जाता है? मैं उन बेटियों को यही बोलूँगी, मैं उनके साथ हूँ, दीदी में उनके साथ हैं, प्रियंका दीदी उनके साथ हैं। तस्वीरें देखी जाती हैं, किसी भी बेटी या किसी गरीब के साथ कोई भी अत्याचार होता है, दीदी आपकी आगे आती हैं, रोका जाता है, लेकिन हर संघर्ष करती हैं। दीदी संघर्ष करती हैं, दीदी आगे जाती हैं, उन्नाव है, अपना हाथरस है, देखो आप कितना। पहली पहल कांग्रेस की, बाद में दूसरे नेता। जी जी, पहली कांग्रेस की है और प्रियंका दीदी की है, और उन सभी महिलाओं को दीदी ने टिकट भी दिया है और वो सब आगे जाके अपनी बात रखेंगी। देखा जाए तो प्रशासन द्वारा थानों में, कोतवाली जेलों में मौत हो जाती है। जी हो जाती है, मौत हो जाती है, मार दी जाती है। नहीं जाता है कि भाजपा को लाना है तो गुंडा मुक्त कराना है। जी जी हाँ हाँ जी, भाजपा को लाना है, गुंडा मुक्त कराना है। नहीं भैया, भाजपा को लाना है तो आप पत्रकार हैं, कुछ दिन पहले वो अभी न्यूज हुआ था तो आप लोगों के साथ ही बहुत बदसलूकी हुई थी, भाजपा वालों ने ही की थी। अरे आप लोग एक पत्रकार की पिटाई लगा रहे हैं, ये भाजपा वालों का ही था। सवाल आपसे हमारे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के माध्यम से एटा के 104 विधानसभा वासियों के लिए क्या एक संदेश देना चाहें? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं एटा विधानसभा से यही अनुरोध करूंगी, आप एक बार मौका दिया जाए, एक बार मुझे मौका दें और फिर मैं सबके साथ हूँ। हमारे साथ खास मेहमान गुंजन मिश्रा जी थी, जाना इनकी बातों को, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इनका ये उद्देश्य रहेगा कि क्या इस बार 104 विधानसभा की मतपेटियां खुलने के बाद किस्मत खुलेगी और किस्मत खुलने के बाद जनता क्या खुश रहेगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया 8। वही ललितपुर में समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष का पद कई दिनों से खाली था। पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल भेज दिया गया था, तभी से पद रिक्त चल रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर की दोनों विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपते हुए ललितपुर जिले का समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष कैलाश यादव को बनाया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व में भी कैलाश यादव रह चुके हैं, इसलिए उन्हें फिर से ये जिम्मेदारी दी गई है। कवि चैनल के लोगों के लिए धन्यवाद। आज जो आपने पूछा है कि कैसे आप चुनाव में आएंगे, तो हमारे बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे तैयारियां हो चुकी हैं और हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में आएंगे। जो पूर्व के सरकार ने जो काम किए, झूठे वादे किए हैं और जुमलेबाजी की है, उसके उसमें हम लोग पूरी तरह ताकत से बूथ लेवल का कार्यकर्ता और जिले के नेता सब एकजुट होकर के काम करेंगे। जो भी प्रत्याशी हमारा बन जाएगा उसके लिए सारे लोग तैयारी एकजुट ताकि। बागपत जेल में मारे गए माफिया डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के छोटे भाई भुवाल सिंह उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। पुलिस ने भुवाल सिंह को जौनपुर के पूरे दयाल स्थित उसके घर पर तबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भुवाल सिंह के खिलाफ 2005 में गाँव के ही अनुसूचित जाति के कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी देने, मारपीट और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर SC ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। बार बार आदेश के बाद भी भुवाल मुकदमे में हाजिर नहीं हो रहा था। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें मुरादाबाद से नगर विधानसभा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी को बनाया है। हाजी रिजवान कुरैशी के टिकट की घोषणा होते ही भारी संख्या में समर्थक हाजी रिजवान के कार्यालय पर पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। साथ ही हाजी रिजवान ने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए और बिरादरी के वोट पर कब्जा करने के लिए जिले में चुनाव जीतने के बाद स्लॉटर हाउस खोलने की घोषणा की है। पूरे मुरादाबाद की जनता की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा और अपने मुरादाबाद की जनता से ये कहना चाहूंगा, अपने लोगों से ये कहना चाहूंगा, जो 29 नवंबर 2017 के मेयर के चुनाव में जो कसर रह गई थी, जो लोगों को मायूसी रह गई थी, इस बार इंशाल्लाह वो मायूसी नहीं हाथ लगेगी और इंशाल्लाह बहुत वोटों से जीत। जीत की क्या प्राथमिकता रहेगी? जीत में जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं जो मुरादाबाद की समस्याएं हैं और उनको लेकर के जनता के बीच रहूंगा और शासन प्रशासन के बीच रहूंगा और उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। जो मैं वादा करूं, पहला काम जो आप करेंगे जीतने के बाद, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, तीन काम मेरे नजर में है। सबसे पहले एक मुरादाबाद में तटबंध रामगंगा नदी पर बना करके उस पर रिंग रोड और पिकनिक पॉइंट का निर्माण कराना, जिससे जो जामा मस्जिद के लोगों को परेशानी होती है, साहब आए दिन उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं किसी भी नाम से, उसको रिंग रोड जब एक बार बन जाएगा तो उसकी एक तय मतलब सीमा हो जाएगी कि सीमा के आगे कोई नहीं जाएगा। अमेठी में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए अपराध और अपराधियों के धर पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में मंजीत सिंह थाना शिवरतगंज की तरफ से 2 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस 300 बंदाबोर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है। तो अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अहोरा भवानी से जेहटा उसराहा की ओर आ रही सड़क पर मुखबिर खास की सूचना पर एक व्यक्ति को 2 तमंचों के साथ सूरज पाल उर्फ लल्ला, ये निवासी जायस के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा अपने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया गया कि ये तमंचे बनाकर बेचने का काम करते हैं। उनकी निशानदेही पर कुल जो है 5 तमंचे, 1 देशी बंदूक, 5 अर्धनिर्मित तमंचे, 6 जिंदा कारतूस और इसके साथ भट्टी और वो सामान जो कि अवैध असलहे को बनाने के लिए में प्रयोग में लाया जाता था, उसके साथ उनको गिरफ्तार किया गया है। चुनाव के दौरान हम लोग लगातार इसलिए प्रयासरत थे कि अवैध शस्त्र और अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसमें आज एक अच्छी सफलता शिवरतगंज पुलिस को मिली है, जिसके लिए मैं उनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार देता हूँ। इसी प्रकार से हमारा अभियान जारी रहेगा। जितने भी अपराधी तत्व हैं जो शराब या अवैध मदिरा और अवैध शस्त्र में संलिप्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको खोज कर की जाए। महोबा के पनवाड़ी थाने में तैनात थाना चालक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो महोबा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिसकर्मी की मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस अब फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि महोबा के पनवाड़ी थाने में तैनात थाना चालक सिपाही की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है, जहां पर मौत के चलते अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी का शव कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये एक व्यक्ति जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ लाए गए थे बेसुध हालत में, तो उनकी बाकी सब जांच वाँच किए तो जो वाइटर्स थे उनके सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बीपी पल्स सब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तो इस हिसाब से हमने इनको ECG के लिए जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया है, जिससे कि ये निर्धारित हो जाए कि उन जीवित हैं या फिर मृत हो चुके हैं। ये कारण संक्षिप्त में नहीं समझा जा सकता, लेकिन लग रहा है कि ये दम घुटने से कुछ बेहोशी या इस तरह का कुछ हुआ है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।